ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। सैमसंग और हुआवे के बाद अब ओप्पो ने भी अपना ट्रिपल रियर कैमरा वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। जहां एक और हुआवे का स्मार्टफोन काफ़ी महंगा है, तो वहीं सैमसंग आपको 20 से 30 हज़ार की रेंज के अंदर मिल जाता है। जो 30 से 40 हज़ार रुपये का सेगमेंट था वो फिलहाल खाली था, लेकिन ओप्पो ने R17 प्रो को लॉन्च करके ये सेगमेंट भी भर दिया है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि इस फ़ोन के तीन कैमरास कैसे काम करते हैं, तो चलिए देखते हैं ओप्पो R17 प्रो का डिटेल रिव्यू। वैसे तो इस फोन के कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, लेकिन इसकी मेन यूएसपी है सिर्फ कैमरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको तीन रेयर कैमरास मिलते हैं। पहला कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, जो कि f1.5 से लेकर 2.4 के वेरिएबल अपर्चर से आता है। दूसरा सेंसर 20 मेगापिक्सल का है, जो कि टेलीफोटो लेंस है, यानी आप दूर की फोटो आसानी से ले पाएंगे। और तीसरा सेंसर है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए आता है, 3D डेप्थ सेंसर कैमरा है। ये वही सेंसर जो कि एप्पल आईफोन 10 में फ्रंट में फेस अनलॉक के लिए इस्तेमाल करता है, और कंपनी ने ओप्पो में इसके बैक साइड पर दिया है, ताकि आपके जो डेप्थ इफेक्ट आप क्रिएट कर पाएंगे अपनी फोटोज़ में, वो अच्छे से आप क्रिएट कर पाएँ। और आपको बता दूं कि इसमें आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ साथ इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ओवरऑल पूरी तरह से इसका कैमराज पावर पैक्ड है। इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको 25 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है विद f2.0 अपर्चर। अब आपने देख लिया कि ऑन पेपर्स बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है, पर रियल लाइफ में कैसा है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसको OnePlus 6T से कंपेयर किया है, और अब मैं आपको इन दोनों के कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ। ओप्पो R17 का नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर है इसका डिज़ाइन। जैसे आप इसको देखेंगे तो इसे खरीदने का विचार निकालेंगे, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बैक पैनल पर आपको 3D ग्लास फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर आपको ब्लू और पर्पल का शेड मिलता है। इस कलर कॉम्बिनेशन कंपनी ने रेडियंट मिस्ट कहा गया है, और जैसे आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली कहेंगे कि ये मुझे फ़ोन खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि काफ़ी आई कैची है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि कंपनी ने इस पर एक खास कोटिंग की है, जिस वजह से इस पर उंगलियों के निशान बहुत ही कम पड़ते हैं। इसके साइड में जो फ्रेम है वो मेटल का है, और जब आप इसको पकड़ेंगे हाथ में तो आपको एक बेहतरीन फील आने वाली है, आप डेफिनेटली इस फ़ोन की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। हालांकि इस फोन में जो हमें कमी लगी वो ये कि इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं दिया गया। इस फोन में दिया है 6.4 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले, जो कि गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड है, और इसका डिस्प्ले भी इसकी लुक्स को काफ़ी एनहांस करता है। इसमें भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाता है, और इसका चिन भी बेहद ही कम है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर इसके डिस्प्ले में दिया है, जो कि फिजिकल सेंसर जितना फास्ट तो नहीं, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आएगा। फोन का डिस्प्ले वाइब्रेंट, शार्प और ब्राइट है, और आप अपने सभी वीडियोस और गेमिंग का अच्छा लुत्फ उठा पाएंगे। तो चलिए एक बार इसकी साउंड क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं। ओप्पो R17 में आपको मिलता है क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट, जिसमें आप हैवी ग्राफिक गेम्स यानी PUBG अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप आसानी से चला पाएंगे, वो भी HD मोड पर। साथ साथ डे टू डे लाइफ में भी ये बिल्कुल लैग नहीं करता, और ये फ़ोन आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस फोन में आपको 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिल जाती है, जो कि एक्सपेंडेबल नहीं है, पर इतनी सब एक्टिविटी करने के लिए आपको एक अच्छी बैटरी भी चाहिए होगी। ओप्पो उस केस में भी एकदम सक्सेसफुल साबित होता है। इस फोन में दी गई है 3700mAh की बैटरी, जो कि हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में लगभग 18 घंटे तक सर्वाइव कर पाई। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कंपनी का दावा है कि ये फ़ोन 10 मिनट में 40% चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको सुपर वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, और हमारे टेस्ट के दौरान ये एकदम सही साबित हुई। 0 to 100 इसकी बैटरी 40 मिनट में चार्ज हो गई थी। सॉफ्टवेयर वाइज इस फोन में आपको मिलेगा एंड्रॉइड ओरियो, जिस पर कलर OS 5.2 की लेयरिंग दी गई है। इसमें आपको कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि गेम स्पेस,
स्प्लिट स्क्रीन और कुछ जेस्चर फीचर। यही नहीं, इसमें आपको फेस अनलॉक मोड भी मिलता है जो कि बहुत ही एक्यूरेट है और इनफैक्ट सिक्योर भी है, क्योंकि अगर आपकी आंखें बंद हैं तो ये आपके चेहरे को डिटेक्ट नहीं करता। एक्स्ट्रास की बात की जाए तो इस फोन में दिया गया है एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास। साथ साथ इसमें आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन और नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, पर इसमें आपको FM रेडियो नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फोन एकदम शानदार है और हर एस्पेक्ट में एकदम खरा उतरता है, चाहे इसे कैमराज हो, डिजाइन हो, डिस्प्ले हो, बैटरी हो या फिर इसकी परफॉर्मेंस। ये फोन आपको जरूर पसंद आने वाला है। सिर्फ कमी इस फोन में यही है कि कीमत बहुत ज़्यादा रखी है। अगर कीमत लगभग 5000 रुपये कम होती तो मैं डेफिनेटली कहता कि ये बेस्ट फोन है और आपको इसे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अभी इस प्राइस रेंज में इसका क्लोज कॉम्पिटिटर है OnePlus 6T और उसमें आपको कॉलकॉम का Snapdragon 845 चिपसेट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आपको ट्रिपल रियर कैमरा चाहिए या फिर कॉलकॉम Snapdragon 845 चिपसेट जैसा पावरफुल प्रोसेसर। पर एनीवे, आपकी राय मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एज यूजुअल, अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हैं तो आप इन दी गई ID में जाकर जुड़ सकते हैं या फिर मैंने अपनी पर्सनल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।